कम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स कल आप सभी लोगों की दोस्तों काउंसलिंग है ठीक है जनरल कैंडिडेट की काउंसलिंग चीजें हैं तो आप सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है जिन लोगों की कल काउंसलिंग है या परसों काउंसलिंग है वैसे मैं कल फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कल की काउंसलिंग कैसी की रही तो उसमें सिंपल सा है मेरा आपसे यही कहना है जो इम्पोर्टेंट कागज़ है ठीक है वो आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए यहां पर अगर आप देखें तो सिंपल सा है अगर आप लोगों ने अपना ड्राफ्ट बनवा लिया अठारह हजार पाँच सौ का तो अच्छी बात है नहीं बनवाया तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड से आपकी कैश स्वीकार नहीं किया जाएगा ए और डेबिट कार्ड से स्वीकार किया जाएगा दूसरी ठीक है और प्रवेश परीक्षा का यह प्रवेश पत्र आपको ले जाना है ठीक है पासपोर्ट साइज की दो फोटो ले जाना है चेक कर लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग शपथ पत्र आप लोगों को ले जाना है तो वो आप लोगों ने बनवा लिया सौ रुपए का बनता है दस रुपए का नॉन ठीक है कहीं से भी बनवा सकते हैं अगर आप लोग टीचर हैं अगर अगर टीचर टीचर हैं हैं नहीं है नो प्रॉब्लम साफ साफ लिखा हुआ अगर आप टीचर है, तो अध्यापन अनुभव पर जरूर बनवा लें अगर नहीं भी बना है कोई इशू आ रहा है कोई साइन वगैरह का तो बाद में भी जमा कर सकते हैं वो लोग बोलते हैं ठीक है और यहां पर अगर आप देखें कहा गया भाई हाँ ये देखिएगा सच्चा अधिकारी द्वारा ये देखिए ओबीसी का उन्होंने बोल रखा है कि भाई छह महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अगर आप विकलांग हैं तो ये अलग अलग सर्टिफिकेट जिसके जो जरूरी हो मेन मेन समझ लो ये बहुत ज़रूरी है ये इतने इतने मतलब चाहिए ही चाहिए ठीक है हाई स्कूल की मार्क्शीट्स है ना तो उसकी छायाप्रति सेल्फ अटेस्टेड साफ साफ लिखा उसकी प्रमाणित छाया प्रति का मतलब है सेल्फ अटेस्ट ठीक है भाई हाई स्कूल व संभव सुबह ठीक है इंटर का चाहिए स्नातक का चाहिए और ये तो मैंडेटरी है चाहे आप टीचर हों ना हो एन सी टी की डिग्री फेस टू फेस मोड की वेरी वेरी मैंडेटरी इस बात को समझ लें और सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चाहिए अगर मार्कशीट होगी सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा ठीक इस बात को भी समझ लीजिए बाद में ये सारी औपचारिकता अगर आप उस दिन नहीं पहुंचते तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ये आपके सेंटर्स हैं ठीक दस दस सेंटर्स हैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर मेरे मनपसंद दिखेगा आपको जो कॉलेजेस चाहिए अगर आपको दस में से कोई एक चाहिए ठीक है जैसे मेरी रैंक इक्कीस थी तो मैंने दो कॉलेज मात्र भरे थे आई थिंक मुझे याद है कानपुर का था और एक लखनऊ का था बस और मेरी बात हुई थी, थी तो समझ में भी आ गया था कि मतलब मिल ही जाएगा यार इक्कीस रैंक आराम से मिल जाएगा कानपुर ठीक है तो वो चीज़ें थी तो इस तरीके से आप बात बाकी वहाँ पर ख़ुद आपको पी पांडे जी आकर के एक आपको ब्रीफिंग दे गए शुरुआत में तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे और कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर उनसे पूछ भी सकते हैं स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ठीक है बाद बाकी जो बच्चे ये यहाँ पर देखिएगा ये टिक अपनी लगा लो इस तरीके से भरने हैं भैया ठीक है क्या क्या है क्या नहीं है वो अपना यहाँ से पूरा ये है सब कुछ दिया गया है ये सारी बीस चीज़ों में जो जो आपके पास हो वो सारी चीज़ें आप कर दीजिए ये आपको भर कर ले जाना है तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए और जो बी एड स्पेशल वाले बच्चे परेशान सर रिज़ल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा उनको मैं बता दूँ ये काउंसलिंग हो जाए नहीं दीजिए अर्थात दस ग्यारह बारह आई थिंक तीन दिन है उसके बाद आपका ही नंबर है तुरंत शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा ये कन्फर्म न्यूज है टेंशन टेंसन लेने के लिए जुड़े रहो मैं हमारे साथ टेक केयर और कोई डाउट हो आज या कल तक तुरंत टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं